अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि शायद मुझे लगता है आपको मालूम होगा कि डीडी यानी दूरदर्शन की जो शुरुआत थी वो हमारे डीडी नेशनल द्वारा की गई थी, और डीडी नेशनल जो था वो हमारा शुरू हुआ था 15 सितंबर 1959 में, और इस दिन से हमारा डीडी नेशनल के बाद कई अनगिनत चैनल्स हमारे लॉन्च किए गए। कुछ सरकारी चैनल्स लॉन्च किए गए जो कि दूरदर्शन के हिस्सा हैं, तो कई से ज़्यादा प्राइवेट चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपने एक बात का ध्यान दिया हो तो डीडी नेशनल या फिर कह लीजिए तो दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर चैनल्स का जो लोगो हैं वो आज भी वही पुराने हैं जो कि आज हमें देखने को मिल रहे हैं या पहले हमें देखने को मिलते थे। उनमें कुछ खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। अब ये डीडी फ्री डिश के ग्राहकों से कैसे जुड़ा है तो देखिए, डीडी की फ्री डिश के जो ग्राहक हैं वो दूरदर्शन की असली पहचान को समझते हैं, क्योंकि वह डीडी फ्री डिश का जो इस्तेमाल है वो काफी सालों से करते आ रहे हैं और आप भी जरूर करते ही होंगे अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं। और साथ ही देखिए, डीडी फ्री डिश का जो लोगो है आप नीचे देखते हैं अपने चैनल पर, या फिर डीडी फ्री डिश की जो असल पहचान है डीडी फ्री डिश के जो लोगो से, तो उसके ऊपर भी फ्री डिश के ऊपर जो डीडी लिखा हुआ है उसके ऊपर जो हमारा डीडी बना हुआ है तो वो भी वही बना हुआ है जो कि हमारा डीडी नेशनल का आज आता है या पहले हमें आता था। अब इसमें बदलाव होने क्या जा रहा है तो देखिए, दूरदर्शन और प्रसार भारती ने एक कॉम्पिटिशन रखा था, बहुत ही बड़े पैमाने पर कॉम्पिटिशन रखा था, और इस कॉम्पिटिशन में उन्होंने कई बड़े बड़े कलाकारों को जो था इन्विटेशन भेजा था कि आप में से जो भी इच्छुक है वो हमारे कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, यानी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। और इस प्रतियोगिता में आपको क्या करना है कि हमारे दूरदर्शन को एक नया रूप आपको देना है, यानी जो डीडी नेशनल का जो आपको लोगो देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए तो जितने भी डीडी के चैनल्स आपको आज लोगो देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए आपको एक अच्छा सा लोगो को तैयार करना है। तो उसमें कई हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से दूरदर्शन ने केवल 5 ही लोगों को सिलेक्ट किया है, और इन 5 लोगों में से जिन्होंने 5 नए लोगोस दूरदर्शन को दिए हैं अपना रूप बदलने के लिए, तो वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। कुछ इस प्रकार से जो है कुछ 5 लोगोस दूरदर्शन द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, यानी डीडी फ्री डिश और प्रसार भारती द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं अपने डीडी फ्री डिश के लोगों में, या फिर दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं उनके लोगों में बदलाव करने के लिए। तो इन 5 लोगों में से कोई भी एक लोगों को डीडी फ्री डिश या कह लीजिए तो दूरदर्शन सेलेक्ट करने वाला है और अपने सभी चैनल्स को और डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को एक नया रूप देने वाला है। तो जिस प्रकार से आपका डीडी के चैनल्स का लोगो बदलेगा, उसी प्रकार से आपके डीडी फ्री डिश का जो लोगो है उसमें भी बदलाव होगा। हो सकता है कि इस बदलाव के बाद से डीडी फ्री डिश में और भी अच्छी सर्विसेज आपको देखने को मिले, क्योंकि डीडी फ्री डिश जो है कहीं ना कहीं सर्विसेज जो है वो बैकग्राउंड में टेस्टिंग कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो इन्हीं बदलाव के साथ कुछ आपके लिए भी डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में जो वो टेस्टिंग कर रहा है उसको भी पेश कर दे, लेकर आ जाए। तो देखिए, इन 5 लोगों में से कोई भी एक लोगो दूरदर्शन जो है वो सिलेक्ट करने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक लोगो, इनमें से एक लोगो दूरदर्शन जो है वो सिलेक्ट कर चुका है, जो कि दूसरे नंबर पर आपने देखा है, और इसका जो लोगो है वो फिलहाल डीडी इंडिया जो कि अभी हाल ही में इंग्लिश न्यूज चैनल आपके लिए बना है उसमें वह अप्लाई कर दिया गया है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं डीडी इंडिया का नया लोगो ये जो है अप्लाई हो चुका है, लेकिन दूरदर्शन फिर भी आपसे राय ले रहा है कि कृपया करके आप भी अपनी राय हमें दें कि इन 5ों में से आपको कौन सा लोगो सबसे बेहतर लग रहा है, क्योंकि इन 5ों में से ही कोई एक लोगो डीडी द्वारा चुना जाएगा और उसको सभी चैनलों पर और डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया जाएगा, जिसके बाद आपके डीडी के चैनल्स हैं और डीडी फ्री डिश जो है वो रीब्रांड हो जाएंगे एक नया रूप के साथ, और हो सकता है कि कंटेंट में भी कुछ नयापन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, अभी की जो जानकारी थी वो इसी प्रकार से आई थी जो कि दूरदर्शन द्वारा आई है। यदि मुझे और भी कोई जानकारी आती है तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी आपको कौन सा लोगो पसंद आया और आप किस तरह से कोई नया बदलाव इनमें देखना चाहते हैं, कि क्या इन 5ों में से कोई एक लोगो ही बदलना चाहिए, या फिर आपका जो कंटेंट डीडी के चैनल्स पर पेश किया जा रहा है उसमें भी कुछ खास बदलाव होना चाहिए, तो आपका जो जवाब है उसका मुझे इंतजार रहेगा। आपका ना जो जवाब है वो मुझे कमेंट में जरिए जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।